आजकल ट्रेंड में चल रही बातों या घटनाओं पर फिल्म बनाना बॉलीवुड का नया ट्रेंड बन चुका है। इस साल आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने बॉलीवुड को एक नए तरह का जॉनर दे दिया। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का नया इतिहास रचा था। फिल्म ने तमाम उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए 240 करोड़ से अधिक जमा किए थे और 2019 की अब तक की तीसरी सबसे अधिक नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी हुई है। अब बालाकोट एयर स्ट्राइक की कहानी को पर्दे पर लाने की तैयारी की जा रही है। इस फिल्म में संजय लीला भंसाली सह निर्माता की भूमिका में होंगे, जबकि फिल्म का निर्देशन अभिषेक कपूर को दिया गया है। 2019 में हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी की सुबह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की गई थी। भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के पख्तूनख्वा के खैबर इलाके में स्थित बालाकोट पर बमबारी करके कई आतंकी ठिकानों को खत्म किया था। यह अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी। भंसाली प्रोडक्शन के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई है कि इस फिल्म का टाइटल 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक है। ये एक ऐसी कहानी होगी जो देश की सीमा में रहकर देश की रक्षा करने वाले जवानों और भारत माता पर अपने प्राण न्यौछावर कर चुके सपूतों के जज्बों को सलाम करेगी। भारतीय वायुसेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा। फिल्म में किन कलाकारों को लिया जाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन फिल्म के निर्माताओं में भंसाली के अलावा भूषण कुमार, महावीर जैन और प्रज्ञा कपूर के नाम हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।